सबको मेरा नमस्कार। शुक्रवार को और शनिवार को शाम को कौशाम्बी में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। अफवाहें फैल गई थी कि वहाँ पे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है इत्यादि इत्यादि, और सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हो गई थी। पिछले दो दिन में यानी कि कल और आज स्थिति काबू में आ गई है। चारों तरफ दिल्ली में सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। हर इलाके के जो डीसी हैं और जो डीसीपी हैं, पुलिस और सिविल प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनको ये तय करना है कि उनके क्षेत्र में कोई भी लोग बाहर ना निकलें और अपने गांव में जाने के लिए ना निकलें। इस सख्ती की वजह से पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के सड़क पे जाने का सिलसिला बंद हो गया है। मुझे ये भी खुशी है कि लोग अफवाहों की तरफ ध्यान अब कम दे रहे हैं। पहले बीच में जितनी अफवाहें फैली थी, थोड़ा चिंता का ये विषय है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बॉर्डर के ऊपर अभी भी काफ़ी लोग अंदर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली क्रॉस करके वो फिर उधर से गाज़ियाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ निकल सकें, लेकिन वहाँ भी बॉर्डर के ऊपर पुलिस और सिविल प्रशासन मिलके उनको वहाँ पे रोक रहा है और दिल्ली के बॉर्डर पे गश्त बड़ी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये जो शुक्रवार और शनिवार को समस्या थी वो अब नहीं है। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी अफवाहों पे किसी भी तरह से भरोसा ना करें, कोई भी अफवाहों पे भरोसा ना करें। दूसरी चीज़ ये कि कुछ राशन वाले, अभी अभी 10 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जनकपुरी पे वो पूरी दिल्ली के अंदर राशन की दुकानों पे जा जा के मुआयना कर रहे हैं। जनकपुरी के अंदर एक राशन वाला है जिसके पास पूरा राशन आया था, लेकिन वो राशन सारा का सारा उसने 24 घंटे में बाहर की बाहर बेच दिया और वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया। उसको मैंने अभी अभी होम सेक्रेटरी से बात करके उसके गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मैं राशन वालों से सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है आपको अपनी इंसानियत दिखाने का, ईमानदारी से राशन दीजिए, पुण्य लगेगा। और अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ये देख लेना कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। मैं खुद ये इंश्योर करूंगा कि सख्त से सख्त सजा आप लोगों को दिलवाऊं अगर आपने सरकारी राशन की चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने हमारे लोगों का हक मारने की कोशिश की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो उसको भी ऑर्डर कर दिया, और कल भी एक ट्रक डाइवर्ट हुआ था उसके भी ऑर्डर कर दिया, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बख्शेंगे नहीं, उनको ऐसी सख्त सजा दिलवाएंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। ये जो इतनी मुसीबत के टाइम में, जब देश मुसीबत से गुजर रहा है, ये लोग जनता के राशन की और खाने की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से ये प्रसंग सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी राशन दिलवाया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, दो तीन चार दिन लगेंगे इसको लागू करने में, कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम राशन दिलवाने की व्यवस्था करें। ये हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी दुकानों के बाहर उन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो कह रहे हैं हमें भी राशन दो, आपको दिलवाएंगे राशन। तब तक आप लोग जहाँ जहाँ हमने खाने की व्यवस्था की है जिन सेंटर पे, आप वहाँ पे खाना खा के अपना गुजारा कर लीजिए। दो चार दिन का हमें टाइम दीजिए, आपके लिए हम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, हमें काफ़ी चिंता हो रही है अपने बच्चों की शिक्षा को लेके। उसके ऊपर हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कुछ खाका बनाया है, वो आपके साथ उस पूरे को खाके को शेयर करेंगे। धन्यवाद सबको, नमस्कार। एजुकेशन से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसमें सबसे पहला तो यह है कि नर्सरी से आठवीं तक के जो बच्चे हैं, खासतौर से छठी सातवीं आठवीं के बच्चे या उससे पहली क्लासेस के भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे, और दिल्ली में कुछ हिस्सों में तो राइट्स की वजह से और लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से वो एग्ज़ाम
पोस्टपोन होते चले गए और फिर कैंसिल करने पड़े, तो निर्णय लिया गया है कि 8वीं तक के सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत अगले क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास तक के बच्चे। लेकिन ये सब बच्चे, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे, अपने घर में रह के उनके सीखने का सिलसिला बंद ना हो, और अब पढ़ाई का भी समय आ गया तो पढ़ाई का समय भी हर्ज ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से और टीचर्स की मदद से एक पढ़ाई का खाका रहेगा। इसके लिए हमने बहुत सारे कंसल्टेंट से डिस्कस किया, एजुकेशनिस्ट से डिस्कस किया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ डिस्कशन किया, अपने स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स के साथ डिस्कस किया, और ये तय किया कि नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होगा, सिखाने का तरीका होगा, वो ये रहेगा कि हम उनको SMS के ज़रिए और IVR के ज़रिए, रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल के ज़रिए, उनके हर बच्चे के पेरेंट को एक रोज़ एक एक्टिविटी भेजेंगे। ये एक्टिविटी बच्चे अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन की मदद से घर पे कर सकेंगे। इसमें उनको सोचने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी को प्रोजेक्ट के रूप में अपनी नोटबुक में भी रखेंगे, और स्कूल खुलने के बाद उनके टीचर्स उसको देखेंगे और इंटरनल असेसमेंट में उसको वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास के टीचर्स फ़ोन से अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में रहेंगे हर एक क्लास में। ये था 8वीं तक के बच्चों के लिए। इसके बाद मेन जो डिसीजन है, सबसे ज़्यादा हर्ज जो हो रहा है, वो 12वीं क्लास के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि उनके अगले साल, इस साल अब क्योंकि जो 11वीं पास करके 12वीं में आ गए, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो 12वीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के टीचर्स के द्वारा क्लासेस शुरू की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस। हर रोज़ 2 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। इसके लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्टर करना होगा। इसका लिंक हम सब बच्चों को SMS के द्वारा भेज देंगे। तो 12वीं क्लास के सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे, और उनको हर रोज़ 2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स लेंगे। जो बच्चे रजिस्टर करते रहेंगे उनको सरकार की ओर से डेटा पैकेज खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके पास अगर फ़ोन भी है तो उनके पास में डेटा पैकेज के पैसे नहीं होंगे, तो डेटा पैकेज के पैसे भी दिए जाएंगे। ये सिस्टम अप्रैल के पहले हफ्ते से 12वीं क्लास के लिए शुरू हो जाएगा, और उसके कुछ समय बाद 10वीं क्लास के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले इसको 12वीं क्लास के लिए शुरू करेंगे और फिर 10वीं के लिए शुरू कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो TV चैनल के माध्यम से भी हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग विषयों की क्लास हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 12वीं का हुआ और 10वीं का हुआ। 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए, 9वीं क्लास के लिए अभी हम CBSE से योजना बना रहे हैं, और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे, CBSE से बात कर रहे हैं। 10वीं क्लास के लिए, 11वीं क्लास के लिए 10वीं के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी 10वीं के रिजल्ट नहीं आए, तो 11वीं क्लास में अभी इफेक्टिवली कोई बच्चा नहीं है। जो भी बच्चे हैं वो पास होके 12वीं क्लास में चले गए हैं, तो 12वीं क्लास की शुरू हो गई है, 8वीं क्लास तक की शुरू कर दी है। 9वीं के लिए हम CBSE से बात कर रहे हैं, और 11वीं क्लास के लिए अभी रिजल्ट का वेट करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं, और ईश्वर सब बच्चों को स्वस्थ रखे, सब टीचर्स को स्वस्थ रखे, तब तक कोरोना और लॉकडाउन सब खत्म हो जाएंगे, तो रेगुलर क्लासेस होंगे। तो आप सब लोग अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, अफवाहों पे बिल्कुल मत यकीन रखिएगा, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति एक ही है, अपने घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया।